अच्छा वो दूसरा के लिए बोल रहे हैं, अच्छा समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ब्रेक इवन एनालिसिस हम पढ़ रहे थे, आगे तक और भी जाएंगे, आज और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम समझ रहे हैं हम, टाइम हुआ तो उस हिसाब से आपको लंच करना होता है, खाना होता है, लेकिन ध्यान में रखो कि सबको ही खाना होता है, जिंदा सबको बचना है, हम भी खाएंगे ही, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आप पढ़ रहे थे प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में, ब्रेक इवन 0.5 सेकेंड, आई हैव टू चेक द कनेक्शन वेदर ऑल द थिंग इज गोइंग करेक्टली, यस आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, मधुस्मिता प्रधान कम अगेन, लेट ज्वाइन हर, नॉट अ बिग डील। आगे चलो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम पढ़ रहे थे, पीवी रेशियो, लेकिन कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स होता है। इस धोखे में हम बताए कि प्रॉफिट वाई सेल्स होगा, कंट्रीब्यूशन वाई सेल्स होते हैं, नाराइके जो होते हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे, कोई बात नहीं। आगे देखो और भी हैं इस लिस्ट में, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीट, ये सब हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन देखे हम। अच्छा तो ये बात है, हाँ तो डिफरेंट कैपेसिटी में कैसे प्रॉफिट निकलेगा, बहुत दिख रहे थे आज। चलो निकले ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स कि हम बीपी निकाल रहे थे, क्या आपको पता है बीपी कैसे निकलता है? अभी तक याद नहीं रखे हो, शर्म के मारे मर जाना चाहिए, पानी कुआं वहां देख लो, बीपी कैसे निकल रहा था भाई, बीपी कैसे निकल रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो, समझ रहे हो? या तो फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से, ऐसा कुछ था, ठीक है, या फिर बीईपी वॉल्यूम में कैसे निकलेगा, ये था कुछ, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशो। हमें हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन यहाँ पे जब बीपी पढ़ रहे हैं तो बीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है बिजनेस में, क्योंकि ये वो अहम पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस आकर के शून्य हो जाते हैं। तो उसके आगे अगर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, उसके नीचे आएंगे तो लॉस होगा, सो ये हमारा डेडलाइन है, समझ में आई बात? तो मैनेजर आपकी गला पकड़ के रखेगा, उसका नाम होगा बीपी, समझ में आई बात? तो ग्राफिकल मेथड में भी हम सारे के सारे जितना मैथमेटिकल मेथड में निकाल रहे थे वो ग्राफिकल मेथड में भी निकाल सकते हैं, समझ में आई बात? हालांकि बहुत रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ग्राफिकल मेथड में आंसर करो ऐसा सवाल आपको नहीं अब पूछे जाएंगे, ठीक है, वही बात है। सिंगल मिनट ओनली, जस्ट अ मिनट, बट नेक्स्ट, नाउ द ब्रेक इवन पॉइंट कैन ऑल्सो बी शोन ग्राफिकली, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो बीपी चार्ट क्या शो करेगा आगे, जो भी हम बीपी बीपी चार्ट देखेंगे, ऐसा चार्ट है, हाँ मान लो ये कुछ चार्ट है, समझ रहे हो? इसमें क्या देखने को मिल जाएंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, समझ में आई बात? हालांकि कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट आपको समझ लेना चाहिए, कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है सेल्स, एंड प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे होता है कंट्रीब्यूशन इनिशियली, समझ में आई बात? इन द ब्रॉडर सेंस कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, इन द नैरर सेंस कॉस्ट का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, समझ में आई बात? ना वॉल्यूम का मतलब होता है सेल्स, प्रॉफिट का मतलब पे ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे नहीं आ जाए तो कंट्रीब्यूशन, उससे आगे जाए तो प्रॉफिट, छोड़ दीजिए आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के रिलेशनशिप आपको मिल जाते हैं बीपी चार्ट के ऊपर है, समझ रहे हो? बैकग्राउंड के पीछे की पर्दे के पीछे की कहानी हम जो समझाते रहते हैं आप लोगों को, वो आपको मास्टर की तरह किसी और को समझाना नहीं है, तो आप बस इतना ही याद रखो। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू आर शोन ऑन वाई एक्सिस, भाई ऑब्वियसली बात है, भाई ऑब्वियसली बात है, वाई एक्सिस में हम कॉस्ट दिखाएंगे ना, एक्स एक्सिस में तो आउटपुट दिखाते हैं, हमेशा आप लोगों को पता है कि नहीं भाई, 10वीं पास हो तो डाउट लगता है कभी-कभी। ये देखो, ओ वाई एक्सिस जो है इसमें हमेशा वैल्यू दिखाई जाते हैं, समझ में आई बात? वैल्यू, और ये जो ओ एक्सिस है ना इसमें हमेशा क्वांटिटी दिखाई जाते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, तो उस हिसाब से खुद ही समझ लो बाबू कि फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट, वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट इज ए वैल्यू, सेल्स इज ए वैल्यू, समझ रहे हो? ये कहाँ दिखाई देंगे हम, ओ वाई में, तो यहाँ पे कॉस्ट सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट ये सारे के सारे चीज ओ वाई एक्सिस में डिपिक्ट होंगे, ओ एक्स एक्सिस में क्या डिपिक्ट होंगे,
वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में आउटपुट शो करना है आपको, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो कह रहा है कहाँ पे आएंगे, जहां पे टोटल कॉस्ट लाइन टोटल सेल्स के लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होता है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट होता है, और यहाँ पे टोटल सेल होता है, जहां पे ये दोनों का मिलन हुआ, समझ रहे हो कि बात, उस पॉइंट को कहा जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, उस पॉइंट को कहा जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए, धन्यवाद। दिस पॉइंट प्रेजेंट्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल सेल टोटल कॉस्ट अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट वाला पॉइंट है, ठीक है। आगे का देखिए कैसे निकालेंगे हम इस चीज को। स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट्स, स्टेप बाय स्टेप। हालांकि यहाँ पे क्या स्टेप है, अरे वैल्यू दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। दैट मीन्स कि आगे जो है, आगे जो ग्राफ है उस ग्राफ को यहाँ पे समझाया गया है, तो पहले हम ग्राफ ही समझाते हैं। मान लो ये सवाल था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच, हम कितने अच्छे से सुनाई दे रहे और दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से सवाल यहाँ पे हम पूछ लेंगे, ऑडिबल और विजिबल का थोड़ा स्टेटस बता दो आप लोग, कितना अच्छे से दिख रहा है बताइए, थोड़ा सा सुनाई दे रहे कि नहीं, दिखाई दे रहे कि नहीं, अच्छे से दिखाई दे रहे कि नहीं, कैसे क्या, थोड़ा स्टेटस होता। राष्ट्रीय प्रधान यस, वज्रत्र यस, अच्छा कोई माइक पे थोड़ा बताओ। यस सर, सुनीता मा तो यस सर, ऑल ये सर दिखाई दे रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, हम खुश हो गए यहाँ पे, खुश हो गए। आगे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से अगर हम चले तो चलिए एक ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करते हैं, जहां पे कह रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स पे, यहाँ पे देखिए हम जो बता रहे हैं समझना ज्यादा है, क्या समझे आप, समझना ज्यादा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, देखना कम है। भाई कम देखोगे तो ज्यादा कैसे समझोगे, हाँ मतलब हम बता रहे हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट वीक, तो प्रोडक्शन लेवल कितना है, जीरो, मतलब आज डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल, दैट मीन्स कि मान लो जब हम जीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, तो तीज आर द वेरियस पॉइंट ऑफ क्वांटिटी, समझ रहे हो। दैट मीन्स ये वाला दिया हुआ है जीरो, ये तो वेरियस ये एक्स होता है, वेरियस पॉइंट ऑफ क्वांटिटी आउटपुट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2, और फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल हमेशा आपको दिया रहेगा, ये हम बताए थे। तो इतने ही डेटा को लेकर के आप बिना मैथमेटिक्स लगा के, बिना मैथमेटिक्स लगा के, हाँ मतलब फॉर्मूला नहीं लगा के, आप ग्राफ के जरिए आप बताओ कि ब्रेक इवन चार्ट, और ब्रेक इवन चार्ट बनाओ, ठीक है। ब्रेक इवन चार्ट है ये, आलू चार्ट नहीं है, पापड़ी चार्ट नहीं है, ये ब्रेक इवन चार्ट आप लोग बनाओगे, समझ में आई बात, यही बात है। अब तो क्लास आते नहीं, नहीं तो पता चलता, समझ रहे हो, हम पढ़ाते कम ड्रामा ज्यादा करते हैं। आगे देखो, तो बात वही है, फिक्स्ड कॉस्ट 90,000, सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन देखो जो दिया हुआ था, सेल्स प्राइस ₹3 पर यूनिट होने हैं, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट होने हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 पहले से दिया हुआ है। तो बाबू आपको पता है ही, जैसे कि बचपन की, मतलब बचपन से आपको पता है, हाँ मतलब +2 +3 पढ़ रहे थे वो तो बचपन ही है ना, कॉमर्स का बचपन तो वही कहा जाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आगे की देखो, तो बात वही है कि आपको पता है कि कोई भी चार्ट बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा का टेबल चाहिए, तो पहले डेटा टेबल बना लेते हैं उसके हिसाब से। तो ये है क्वांटिटी, ये सेल्स, वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आगे चलो, तो ये ऐसा कुछ टेबल आपकी बनेगा, चलिए सुन, द कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कंप्यूटेड एज फॉलोस, ठीक है बाबू। आगे देखो, बाबू देखिए देखिए, हमारा क्लास के हिसाब से बाबू कम तरह समझता, बाबू दैट मींस रिप्रेजेंट्स टू ऑल, अंडरस्टैंड द, ये ऐसा नहीं है बाबू। देखो, द कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज एज फॉलोस, आउटपुट क्या दिया हुआ है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट 80,000 था, 90,000 था, 1 लाख था, 1,10,000, 1,20,000, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, मतलब ये पॉइंट आपको दिखाना होंगे, ठीक है, ये पॉइंट पे। अब चलिए आगे हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 2 रुपये, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितना होने हैं, 0 2, सुन आगे, 80,000 × 2, 1,60,000,
दैट मीन्स ब्रेवल कॉस्ट वाला जो कॉलम है ये फास्ट कॉलम इंटू टू है, समझ रहे हो कि नहीं? फास्ट कॉलम इंटू टू, दो दो रुपए करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए, वेरिएबल कॉस्ट निकल गए। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 90,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आई बात? इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखो जब जीरो आउटपुट हो रहा तब भी 90,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। इस टेबल को समझ जाओगे तो ग्राफ समझ जाओगे, ग्राफ समझ जाओगे तो याद रह जाएगा, तो एग्जाम में लिख सकते हो, समझ में आई बात? चलिए आगे देखो, आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, लिखो, पहले से बता चुके हैं, ब्रेक इवन चार्ट बनाओ, समझ में आई बात? और कुछ या तो दिए होंगे फिगर्स, या तो दिए होंगे फिगर्स उसके हिसाब से बनाओगे, या तो आपको कहा जाएगा कि ब्रेक इवन चार्ट बनाओ तो आप इमेजिनरी फिगर्स को लेकर के खुद से बनाओगे। इमेजिनरी फिगर्स, इमेजिनरी फिगर्स का क्या मतलब है? ऐसे लिखोगे वेरिएबल सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ खुद से मान लोगे, फिर से करोगे, और आपको जैसे ही इमेजिनरी फिगर्स दिया होगा देख करके आप खुद से ब्रेक इवन चार्ट अब बनाओगे, ठीक है? या फिर कहा होगा ग्राफ, ग्राफिकली मेथड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस अब बताओ, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलना होगा ग्राफिकली, जो भी क्वेश्चन आएगा ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफ के साथ ये आंसर आपको लिखना है, समझ में आई बात? आगे आपको ये चार्ट बनाने के लिए ग्राफ चाहिए होगा, तो आप तुरंत से जैसे ही क्वेश्चन देख लिया वैसे ही आप खड़ा हो जाओगे, वैसे ही आप इनविजिलेटर को ग्राफ पेपर डिमांड कर दोगे, बुला करके 5 मिनट में देने के लिए बाउंड है, ठीक है? ग्राफ पेपर डिमांड करोगे, सर आपकी तो यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, ग्राफ पेपर में इसको हम स्केल पेंसिल लगा के बनाते हैं, तो यहाँ पे 2-3 लग जाता, हमको 1 घंटा में खत्म करना है। आगे देखो, तो नेक्स्ट इज द कॉस्ट प्रॉफिट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये है बाबू, आउटपुट जब जीरो होने हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होने हैं, आप याद रख लिए। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखो, जीरो आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट कितना होने हैं 90,000, जितने भी आउटपुट बढ़ेंगे, जितने भी आउटपुट बढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, इक्वल इक्वल इक्वल, समझ में आई बात? ये न्यूट्रल है, ये तो कभी बढ़ेगा नहीं कभी, आपको पता है। यहाँ पे देखो ये है फिक्स्ड कॉस्ट की रेखा, आप देख रहे हो ये है फिक्स्ड कॉस्ट की रेखा, जो ना बढ़ता है ना जो घटता है। आगे उसके बाद टोटल कॉस्ट कैसे चलेगा भाई, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला देंगे, तो ये 1 नंबर कॉलम है, ये 2 नंबर कॉलम है, ये 3 नंबर कॉलम है, टोटल कॉस्ट कैसे आने हैं, 2 नंबर कॉलम प्लस 3 नंबर कॉलम को जोड़ दो, ये 90,000, 1,90,000, 2,80,000, 2,70,000, 2,90,000, 2,20,000, 3,10,000, 3,30,000, समझ में आई बात? तो पहले आप करोगे आउटपुट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, पूरा क्रोनोलॉजी, पूरा क्रोनोलॉजी। जैसे ही टोटल कॉस्ट मिल गया आपकी, उसके बाद के अगेंस्ट में लिख देना सेल्स रेवेन्यू, ये 1 था 2 था 3 था, ये 4 नंबर कलम था, ये 5 नंबर कलम है, ये 6 नंबर कलम है, तो 5 नंबर कलम में सेल्स रेवेन्यू लिखना है। सेल्स रेवेन्यू कैसे मिलेगा आपको, ना 1 यूनिट सेल्स सेलिंग प्राइस 3 रुपए, तो उस हिसाब से 0 × 3 3,000, तो इसका 5 नंबर रिजल्ट कैसे मिल रहा है, ना 1 नंबर कलम इंटू 3, समझ रहे हो? तो ये 0 हो जाएगा, फिर 80,000 इंटू 3 240, 90,000 इंटू 3 270, लाइक दिस 1,20,000 इंटू 3 360,000 सेल्स रेवेन्यू मिलने हैं। बाद में आपको प्रॉफिट, लास्ट में प्रॉफिट निकालने हैं, प्रॉफिट कैसे मिलने हैं, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स कि 5 कलम माइनस 4 कलम, 5 कलम लेस 4 कलम, समझ में आई बात? ठीक है, ये सारे के सारे चीज अगर एग्जाम्पल के तौर पे या फिर देख करके आपको पढ़ना है तो बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं। आगे की देखो, अभी ध्यान से पढ़ो, तो ये प्रॉफिट की कॉलम यहाँ पर आ जाने हैं। वंस आई हैव टू चेक द कनेक्शन, वंस आई हैव टू चेक द लाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन, अरे वो क्या मुश्किलें हैं। अच्छा ऑल गुड सर, हाँ वो तो पता है, यही ऑल गुड जो हम चेक करने का। अच्छा पहले से दिया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब पास सब पास सब पास। नेक्स्ट इट, सो यहाँ पर देखो, पहले आपको पता है ही कुछ तो लॉस होने हैं, ठीक है, कुछ तो प्रॉफिट होने हैं, है कि नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, सुने हो कि नहीं, बस उस तरह। तो जब जीरो आउटपुट हो रहे हैं तब देखिए टोटल कॉस्ट 90,000 है, टोटल सेल्स जीरो है, तो प्रॉफिट कितना होगा, जीरो माइनस 90,000 माइनस 90, जब सेल्स हो रहे हैं 2,40,000, प्रॉफिट 2,50,000, लॉस कितना, माइनस 10,
अभी देखो कुछ एक पॉइंट पे जा करके कभी ना कभी तो होगा, ऐसा बात नहीं, कभी ना कभी ना कभी तो होगा, वो फिगर और हो सकता है। टोटल कॉस्ट 270, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू हो गए 270, तो प्रॉफिट कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। लेकिन अब चार्ट में देखा होगा ना, आगे देखो, फिर 1 लाख में जा करके 10,000, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर के कॉस्ट कम हुए, सेल्स ज्यादा हो गए, तो सेल्स 3 लाख माइनस 2,90,000 इक्वल टू 10,000 हो गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एरिया हो गया, ठीक है। इस चीज को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तब जा करके आपको मिलते हैं मार्क। द एबव डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन ए ग्राफ, इट अपीयर्स एज फॉलोस। बहुत सही, बहुत सही। तो यहाँ पर देखो आर्यन कुमार दीक्षित, आगे देखो, ठीक है, ये प्रॉफिट एरिया होते हैं। नेक्स्ट वीक तो ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा ग्राफ पेपर से, ठीक है। द नंबर वन स्टेप, आस्क पेपर, आस्क ग्राफ पेपर। आप से पूछ रहे थे सबसे पहले, आप यही पूछ रहे हो कि कहाँ से शुरू करें। कहाँ से शुरू करो मतलब पहले पेपर मांगोगे, जैसे ही मिल जाएगा पहले ये आप डिसाइड कर लोगे, ये ओ एक्स एंड ओ वाई, समझ रहे हो? ओ एक्सिस में ऑब्वियसली क्या आने हैं, आउटपुट आने हैं, जो दिया होता अलग 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 लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे डिपेक्ट करेंगे हम, समझ रहे हो बात? फिर ओ वाई एक्सिस में क्या जाना है, आपको पता है कॉस्ट जाएगा, सेल्स रेवेन्यू जाएगा, और ये कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। ये कॉस्ट में एक तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी है इसमें, एक तो आपकी टोटल कॉस्ट भी है इसमें। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाना तो मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखो, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होना है या टोटल कॉस्ट होना है, चलिए आगे निकलो। तो ओ एक्सिस ओ वाई, अब स्केलिंग कैसे करना है वो हम बताएंगे, जो कि आपको सीख के आना चाहिए था स्कूल में मैडम से, समझ रहे हो? हाँ सीखे हो, कोई बात नहीं, फिर ही बता। आउटपुट कैसे बिहेव कर रहे हैं थोड़ा देखो, 0 से 80,000 डायरेक्ट, फिर 1,20,000, तो उस हिसाब से आपको स्केलिंग करना है, जैसे कि 1,20,000 तक आपकी यूनिट्स जाने हैं, समझ रहे हो? हमेशा उससे थोड़ा आगे चलोगे, 0 से तो नीचे नहीं होगा, उससे थोड़ा आगे भी बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पे 10 डिवाइडर ले लिए, 10, 20, 30, 40, ये 1,000 में है, ठीक है, 1,50,000 तक, 1,20,000 तक काम है, तो हम तुम थोड़ा सा आगे जाओगे 1,50,000 तक। यहाँ पे आउटपुट इन 1,000, समझ में आई बात? आउटपुट इन 1,000, तो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाइक दिस। कैसे स्केलिंग करोगे आपको पता है तो। और बाकी सब थोड़ा ध्यान से देखो, फिक्स्ड कॉस्ट को देख लो, वेरिएबल कॉस्ट को देख लो, टोटल कॉस्ट को देख लो, सेल्स को देख लो, कैसे बिहेव कर रहे हैं ना। ये 1,60,090,000 से ये कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, 1,60,000 तक जा रहे हैं, 2 लाख, 3,60,000 तक ये जा रहे हैं। प्रॉफिट तो कम है ही, छोड़ दो, प्रॉफिट का ग्राफ नहीं होता है वो, तो एरिया होता है। 3,60,000 तक जा रहे हैं शून्य से, तो उसके हिसाब से आप सेलिंग स्केलिंग करोगे। तो यहाँ पर 20, 20, 20, 20 करके दे दिया, समझ में आई बात? तो एक यूनिट को यहाँ पे 20,000, यहाँ पे एक यूनिट को 10,000, समझ रहे हो कि नहीं? उसके हिसाब से आप स्केलिंग करोगे। तो ग्राफ की जो ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है ना, 10 लाइन वाला हिस्सा, उसको आप 20 नाम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे हो गया रुपीज इन थाउजेंड, ये 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 80,000, ये है 3,80,000, समझ में आई बात? चलिए बच्चे वाला पढ़ाई हम आपको थोड़ा पढ़ा दिए, स्टैंडर्ड 6 अब पास हो गया, कोई बात नहीं, आगे निकलो। तो यहाँ पे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा रेखा को देखेंगे हम, पहले फिक्स्ड कॉस्ट याद रखो, ठीक है। तो फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट ड्रॉ करो, तभी इजी होगा, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कुछ भी हो ये फिक्स्ड होता ही है, समझ में आई बात? फिक्स्ड तो कितने दिए हुए थे फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे देखो सवाल पे 90,000, तो आगे चलो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे देखो 0, 20, 80 और 90 के बीच में यहाँ पे कितने होते हैं, 10 लाइन्स होते हैं, 10 लाइन्स के बीच 5 लाइन्स जो होते हैं, 5 लाइन्स में आप 90 लिख दोगे, ये है 90,000, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, समझ में आई बात? ये आगे तक ये रिमेंस फिक्स्ड है, 90,000 इसका वैल्यू है, समझ आई? इतना गरीबी में काहे जी रहा है, 90,000 यहाँ पे लिखने से क्या प्रॉब्लम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 90,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीक फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आप क्या करोगे पता है, टोटल कॉस्ट में ध्यान दोगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के ठीक ऊपर से टोटल कॉस्ट की रेखा चलती है, दैट मीन्स कि ये जो है ना ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, समझ रहे हो ना? ये जो जा रहा है
कहीं पे लिखा नहीं होगा। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, यहाँ से क्या मतलब क्या है इसका? अच्छा टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट आपको बनाना है, ठीक है? तो फिक्स्ड कॉस्ट ये, देन नेक्स्ट इट ये है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे पता चला आपको? देखो फिक्स्ड कॉस्ट बता रहे हैं हमको टोटल कॉस्ट ना, जब 0 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा होगा, जब 0 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा होगा तब भी टोटल कॉस्ट 0 नहीं हो सकता है, तब भी टोटल कॉस्ट 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर, समझ रहे हो बात? इसलिए यहाँ पर आप देख लो टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा, 90,000 से। ध्यान से देखो आउटपुट जब 0 है वेरिएबल कॉस्ट 0 है, क्यों? क्योंकि आउटपुट जितना वेरिएबल कॉस्ट उतना। तो यहाँ पर अगर आउटपुट 0 हो जाते हैं तो आउटपुट 0 हो जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएंगे, पर फिक्स्ड कॉस्ट तो 90,000 रहेगा। दैट मीन्स नाउ 0 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 90,000, समझ में आई बात? तो दैट मीन्स हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा होता है, इसलिए टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जितना होगा शुरुआत में, समझ रहे हो बात? आउटपुट 0 है तो सेल्स भी 0 होंगे, वेरिएबल कॉस्ट 0 होंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स, दैट्स व्हाई 90,000 से ये शुरू होने हैं, समझ में आई बात? तो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो 90,000 से ये टोटल कॉस्ट की यात्रा शुरू हुई, समझ में आई बात? यही बात है। आगे देखो, आगे ये देखो, तो पहले तो आप फिक्स्ड कॉस्ट नंबर 3, उसके बाद टोटल कॉस्ट लिखोगे, टोटल कॉस्ट है, उसके बाद आप रेवेन्यू को समझाओगे। तो हर एक चीज में ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट कैसे समझाओगे ना, टोटल कॉस्ट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द ₹90,000 एग्जैक्टली अबव टू द फिक्स्ड कॉस्ट, समझ में आई बात? बिकॉज टोटल कॉस्ट दैट इंक्लूड्स द फिक्स्ड कॉस्ट, हेंस हेंस इट कैन नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन और 0। नेक्स्ट रेवेन्यू कॉस्ट क्या होगा, ध्यान से देखो ये वाला टेबल, जब आउटपुट है 0 तब सेल से 0, ऑब्वियसली आप एक कुछ भी नहीं बेचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये 0 से स्टार्ट होना है। तो देखो ये है टोटल सेल्स की रेखा, समझ रहे हो, और रेवेन्यू, ये है रेवेन्यू की लाइन। तो जब 0 आउटपुट है, 0 सेल्स से यूनिट, तो 0 से स्टार्ट होगा, और जितना ही आप आउटपुट यहाँ पे ज्यादा ज्यादा सेल्स करते जाओगे उतने ही वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली लाइक दिस, समझ रहे हो कितनी बात? सो इट्स द अपवर्ड ट्रेंडिंग टू द राइट, समझ में आई बात? नाउ सेल्स की, उसके बाद सेल्स की बात आप करोगे, टोटल रेवेन्यू को, ठीक है? उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद यहां तक की बात देखो, यहां तक जब सेल्स था, ये है सेल्स की लाइन, ये है सेल्स की लाइन, ये है कॉस्ट की लाइन। तो यहां पर सेल्स आ रहे हैं नीचे और कॉस्ट आ रहे हैं ऊपर, समझ में आई बात? वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जब टोटल सेल्स इज लेस देन द टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू लॉस, समझ रहे हो कि नहीं? दैट्स व्हाई दिस एरिया इज लॉस, दिस एरिया इज द लॉस एरिया, समझ में आई बात? उससे आगे निकल जाओ, उससे आगे निकल जाओ, ये था टोटल रेवेन्यू का कॉलम लाइन, ये था टोटल कॉस्ट की लाइन। तो यहाँ पे क्या सीनरी हुआ, देखो यहाँ पे क्या सीनरी हुआ ना, टोटल रेवेन्यू ये ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, समझ रहे हो कि नहीं बात? टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल, तो ये हो जाने हैं प्रॉफिट, दैट मीन्स द दिस एरिया इज द प्रॉफिट एरिया। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये प्रॉफिट एरिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये लॉस एरिया है, समझा दिए आप? तो रेवेन्यू कॉस्ट, नाउ नेक्स्ट वीक क्या समझाओगे, पहले लॉस उसके बाद समझाओगे प्रॉफिट, समझ में आई बात? और यहाँ पे फिगर भी लिखना है जो कि हम बाद में बता देंगे। नेक्स्ट वीक इतना तक हो गया, अब आगे बढ़ो 7 नंबर पॉइंट, यहाँ पे क्यों लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्यों लॉस हो रहा था फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाला जो लॉस है, लॉस ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट से देख रहे हो, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है और फिक्स्ड कॉस्ट की यहाँ तक फिक्स्ड कॉस्ट है और उसके नीचे तक टोटल रेवेन्यू है। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस इज लॉस ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, समझ में आई बात? और ऊपर जैसे ही आप चलते जाओगे, ऊपर जैसे ही चलते जाओगे, यहाँ तक तो फिक्स्ड कॉस्ट था,
ये टोटल कॉस्ट है, ध्यान से देखो, ये टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कैसे बना, बना कैसे है? टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे बना है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है टोटल कॉस्ट जितना भी है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अरे इसके ऊपर है, देखो ये जो सेल्स है ये वेरिएबल कॉस्ट की पोर्शन है, समझ में आई बात? ये वेरिएबल कॉस्ट की पोर्शन है। तो वेरिएबल कॉस्ट इतना है और उसके ऊपर है, मतलब उसके नीचे है सेल्स। तो ये जो लॉस है, ये जो लॉस है, ये लॉस ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आई बात? तो यहाँ पे बताओगे आप लॉस ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, फिर लॉस ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आई बात? नेक्स्ट वीट, चलिए जितना नंबर पॉइंट हुआ है, नेक्स्ट वीट, आगे हम चलते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे अब क्या करोगे? फिर आगे जा करके देखो कहीं ना कहीं पे ये टोटल कॉस्ट था, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, समझ में आई बात? तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू में इक्वल हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, इसका एक नाम दे दोगे ई, मान लो ई। दिस पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, समझ रहे हो बात? नेक्स्ट आप समझाओगे ब्रेक इवन पॉइंट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट की मुद्दा वही है। ब्रेक इवन पॉइंट में आप समझाओगे कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इक्वल का मतलब ही होता है दिस इज द नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, ब्रेक इवन समझा दिए। उसके बाद आएगा आप नंबर पॉइंट। तो अभी आपको क्वांटिफाई करना वो कौन से पॉइंट पे ये दोनों सेम हो गए, समझ? कहाँ पे लाके 100 पे इजिला, यहाँ पे देखो वो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट कौन सा है, ये है। थोड़ा सा हम नेटवर्क चेंज कर देंगे, जस्ट वेट, अभी पावर आ गया है, कनेक्शन आ गया। नेक्स्ट वीडियो देखो, ये पहले फाइंड एनी डिफिकल्टीज, देन आप बताओ, कमेंट करके बताओ, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट वीट, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट ये है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के साथ समान। इसी जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 90,000। तो बाबू 90,000 ना होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो बीपी यहाँ पे 90,000 वाला पॉइंट, ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला, अच्छा ठीक है, वो यहाँ पे चलते हैं। एक्चुअली इन रियलिटी होने हैं 90,000, जब आप करोगे तो ठीक से 90,000 होगा, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है, ब्रेक इवन यूनिट्स, उसी के करस्पॉन्डिंग में 90,000 करस्पॉन्डिंग में जो भी सेल्स होगा उसी सेल्स को कहा जाएगा ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो देख लो ब्रेक इवन सेल्स क्या है, 90,000 आउटपुट करेस्पॉन्डिंग में सेल्स क्या रखे हैं हम, 2,17,000 की, यहाँ पे ये भी बात है, तो यहाँ पे जोड़े जाएंगे, जब आप ये करोगे करेक्टली हो जाएगा, तो ये 70,000, ठीक है, 2,70,000। तो फिर आगे क्या करोगे, बीईपी इन यूनिट्स बता दोगे, ठीक है, नेक्स्ट बता दो इन वॉल्यूम, बीपी इन ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट हुआ, आप एग्जैक्ट डॉट प्लॉट करोगे एग्जैक्ट हो, समझ में आई बात? यहाँ पे सब थ्योरी में लिखा भी हुआ है, देखो हाँ हाँ ये ब्रेक इवन यूनिट्स देखो 90,000 है और ब्रेक इवन का सेल्स 2,17,000, समझ में आई बात? ये बात, ये जो सारे की चीज होती है ये बाद में स्क्रीनशॉट करके खुद से, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो एक हम एक्सप्लेन किए हैं उसी चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहानी में हम बताए सनीमान, आगे देखो तो बात यही है। नेक्स्ट वीट, तो यहाँ पे 90,000 इज द बीपी यूनिट, आर 270 इज द आपका हो गया यहाँ पे बीपी का सेल, एवरीवन इज फ्लाइंग इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट वीट, कंट्रीब्यूशन चार्ट कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन, ठीक है, तो हमारे कोई बात नहीं।
ब्रेक इवन चैट में क्या होने हैं पहले तो हम, अच्छा ठीक है, फ्रॉम दिस चैट यहाँ पे क्या होगा, देखो कंट्रीब्यूशन ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे जैसे होता आपकी, यहाँ पे सारे के सारे चीज कंट्रीब्यूशन कहीं पे नहीं थे, कंट्रीब्यूशन का कोई लाइन नहीं था, अभी कंट्रीब्यूशन होगा मेन लाइन रुकने बाद, यही बात है। तो पहले समझ लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल चीज। क्वेश्चन इवन चार्ट, अगर वो सवाल को तो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है ना, नंबर आउटपुट 1,80,000, इस पे काम करना है, 0,80,90,1,00,000, 1,10,00,000, इस चीज के ऊपर आपको काम करने हैं, समझ में आई बात, ठीक है ना। अरे बाबू क्या, ना वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया करके था तो इंटू टू, ठीक है, तो ये 20 इंटू 2 इंटू टू, वेरिएबल टोटल कॉस्ट क्या होने हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो 0,90,90, 1,60,90,250। नाउ सेल्स रेवेन्यू 3 रुपया करके थे तो 80,000 इंटू 3, ठीक है, नंबर 1 कॉलम इंटू 3 इक्वल टू, तो ये 80,000 इंटू 3 240, 90 इंटू 3 270, 1,23,380। नेक्स्ट वीक कंट्रीब्यूशन एक निकालना है, क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, बीपी एनालिसिस के हिसाब से कंट्रीब्यूशन हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेटेड कॉस्ट इज द, सॉरी सॉरी, फर्स्ट टारगेटेड मार्जिन इज द कंट्रीब्यूशन, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपको कैसे मिल रहे हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आई बात, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो 0 माइनस 0 0 240 माइनस 160, यहाँ पे 240 माइनस 160 80, 270 माइनस 180 90, तो लाइक गोज लाइक दिस, कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसे चलेंगे। आगे देखो तो इसकी चार्ट बनाना है, फिर से आप यहाँ डिपिक्ट करोगे आउटपुट ओ एक्सिस में, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओ वाई में, ठीक है स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या होने हैं, सबसे पहले हाउ मच रुपीज, 90,000, 90,000 फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, समझ में बात, ये फिक्स्ड कॉस्ट चलता रहेगा, यही बात है। पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टीज प्लीज टेक्स्ट मी, ठीक है, व्हेन आई एम नॉट वाचिंग द कमेंट्स, नॉट मॉनिटरिंग द कमेंट्स एटसेट्रा, यू कैन व्हाट्सएप मी, इफ नथिंग इस प्रॉब्लम फ्रॉम दिस साइड देन कीप वॉचिंग अटेंटिवली। नेक्स्ट आउटपुट ये है, कॉस्ट रेवेन्यू ये है 90,000 US, ठीक है। नेक्स्ट वीक सेल्स की कर्व कहाँ से स्टार्ट होने हैं, 0 से, नंबर 2 एक्चुअली, हाँ सेल्स से, सेल्स की कर्व कहाँ से स्टार्ट होने हैं, 0 से, कंट्रीब्यूशन कर्व देखो सेल्स की नीचे रहेगा, ठीक है, और एक बार देख लो हमेशा कंट्रीब्यूशन कैसे चल रहे, 80,90, जबकि सेल्स रहे 2,40,000, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज लाइक द ग्रॉस मार्जिन, समझ रहे हो कि नहीं, दिस इज लाइक द ग्रॉस मार्जिन, तो पहले जहां पे 0 है कंट्रीब्यूशन 0 है, दैट मींस कि कंट्रीब्यूशन भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा और सेल्स भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो कि नहीं, दोनों ही देखो, यहाँ पे जब 0 है तो सेल्स भी 0 है और कंट्रीब्यूशन भी 0 है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं बना सकते हो आप, समझ रहे हो कि बात, वेरिएबल कॉस्ट को समझा जा सकता है, ध्यान से देखो, तो ये कंट्रीब्यूशन जब सेल्स ही 0 है तब तो ये सेल्स की लाइन है, नाउ ये जो पोर्शन रहा इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये एरिया को आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के द्वारा, समझ रहे हो, तो इंटीग्रेशन के द्वारा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अगर ये एरिया निकाल सकते हो तो यहाँ पे आपको निकलता है वेरिएबल कॉस्ट, समझ गए बात, तो इंटीग्रेशन बिलो द सेल्स कर्व लेस इंटीग्रेशन बिलो द कंट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना, कॉस्ट,
समझ में आई बात? उम्मीदें कंट्रीब्यूशन आप ना इंटीग्रेशन आप भूल चुके हो, ठीक है। बहुत अच्छे कॉमर्स बच्चे होते हैं, हमको भी याद नहीं है। आगे तो यहाँ पे बात वही है, तो वेरिएबल क्योंकि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इंप्लाइज दैट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स लेस कंट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? यही बात है। आगे देखो क्या सर्व करता है। नेक्स्ट ट्वीट आगे देखो, यहाँ पे बीपी इन यूनिट्स कैसे निकलेगा? सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट आप बता दिए, कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू कर बता दिए, कंट्रीब्यूशन कर बता दिए, यहाँ पे और कुछ नहीं। समझ में आई बात? आगे देखो, यहाँ पे बीईपी कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से देखो, 8 BEP आपको पता है, 8 BEP क्या होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, जस्ट सिंगल मिनट, आई हैव टू टेक वन कॉल। मतलब यार कोई बात नहीं, फोन आया, चिन्ही पार चुनावे बोलता है। अब तुम का प्राइम मिनिस्टर हो। देखो बताओ यार, कौन बता रहा है तो बताओ। अभी की बात तो हम भूल गए, हम क्या बता रहे थे। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पे देखो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट होना है नील। तो प्रॉफिट नील कब हो सकता है? जब ये दोनों इक्वल हो, इक्वल तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट जब सेम हो तब होना है प्रॉफिट नील। दैट मींस कि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन जहां पे होंगे इक्वल, दैट मींस कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट पॉइंट। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखो, ये है फिक्स्ड कॉस्ट की रेखा, ये है कंट्रीब्यूशन की रेखा। समझ में आई बात? दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स, हेंस दिस पॉइंट इज द BEP। अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पे लॉस प्रॉफिट का कोई थोड़ा मसला है। समझ में आई बात? ध्यान से देखो, यहां तक देखो सेल्स हो रहे हैं, यहां तक ये जो सेल्स की लाइन है, और सेल्स की लाइन जब नीचे था, फिक्स्ड लॉस एरिया है। नेक्स्ट यहां पे देखो ध्यान से, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये इतना तक वेरिएबल कॉस्ट है, ये छोड़ दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है जितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे थोड़ा अलग चीज है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके ऊपर है कंट्रीब्यूशन की जो एरिया है, ये प्रॉफिट। तो जनरली यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट्स निकालने के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट नहीं बनाया, कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को लेकर के भी बीपी निकाल सकते हो। तो जहां पे बीपी पॉइंट हुआ उस पे अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो ये चीज जो है ये हो जाएंगे आपकी बीपी इन यूनिट्स, ये हो जाएंगे बीपी इन यूनिट्स। यहाँ पे अगर आप लाइन करोगे ड्रॉ, तो ये वाला चीज जो आएंगे ये होगा बीपी इन, ओह सॉरी, यहाँ तो सेल्स की वॉल्यूम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेल्स की वॉल्यूम ये है। हाँ ये तो ये होगा बीईपी इन वॉल्यूम। समझ में आई बात? क्योंकि सेल्स यहाँ पे है ना अभी, तो सेल्स की रेखा ये देखो यहाँ पे नहीं खींचोगे, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। समझ जाएगा? सो ये बीईपी इन वैल्यू, दिस वन इज बीईपी इन यूनिट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये बात है। सी वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल यहाँ पर आप पा सकते हो, या कंट्रीब्यूशन कर्व की जरिए भी आप पीपी निकाल सकते हो। यहां तक की बढ़ाइए, और आगे हम जितना भी समझा रहे हैं
वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट से आप कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर अंडर दिस मेथड टोटल कॉस्ट लाइन कहाँ से शुरू होगा, 0 0 पॉइंट से, सॉरी सॉरी टोटल कॉस्ट लाइन इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉन, कंट्रीब्यूशन लाइन कहाँ से 0 0 0 से स्टार्ट होगा, जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ कॉस्ट लाइन सेल्स लाइन डज नॉट अराइज इन द केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल कॉस्ट है नहीं और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स वेयर कंट्रीब्यूशन इज द, तो बीईपी कहाँ आने हैं हम आपको बता दिए, बीईपी वहां पे आने हैं जहाँ फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होने हैं, बट कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन द फिक्स कॉस्ट इज द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियसली जहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा होंगे फिक्स कॉस्ट से वो प्रॉफिट है अदरवाइज लॉस है। कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट क्या दिखाता है, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड डिफरेंट लेवल ऑफ बीईपी विल नॉट अफेक्ट द फिक्स कॉस्ट। कुछ चीज लिखा आगे की देखो नेक्स्ट वीक। अभी कैसे काम करोगे, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, तो बीईपी की एनालिसिस के जरिए, समझ रहे हो कि नहीं, बात सीवीपी एनालिसिस के जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि सेल्स कितना होना चाहिए अगर हमको प्रॉफिट चाहिए 50,000। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आज की नया कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे देख लो और वैसे ही अभी ही क्लास का प्रिपेयर कर ही सकते हो, तो बिना खाए जान नहीं जाएगा, थोड़ा टेस्ट कर लो आज, हो सकता है चले जाए। अच्छा देखो, द रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है ना, इतना तक आप सेल्स कहाँ तक करोगे आप तो प्रॉफिट 50,000 हो जाए, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वेशन अगर आगे बढ़ाते जाए तो हम प्रॉफिट और लॉस एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, प्रॉफिट इज जीरो बट कैलकुलेटिंग द सेल्स वैल्यू रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट वैल्यू इज पुट एज द डिजायर्ड प्रॉफिट, समझ में आई बात, तो जहां पे प्रॉफिट आपको पहले दिखने को मिल रहा था वहां पे अभी लिख दोगे आप डिजायर्ड प्रॉफिट, बात एक ही है इतना प्रॉफिट आपको चाहिए, तो सीवीपी का जो फॉर्मूले है वहां पे अगर प्रॉफिट को आप डिपिक्ट कर दोगे तो सेल्स कितना वो तो निकलना ही है, छोटा बात है। फॉलोइंग क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझाएंगे आगे के, देखो कहाँ पे क्वेश्चन दिया। अच्छा ये तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, फिर से हम इसको समझाते हैं। ठीक है, बात है ये देखो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहा जाता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ऑब्वियसली बाबू सीधी बात है ना, पहले से पढ़े हो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, समझ में आई बात। अभी ये कह रहा है कि हमको डिजायर्ड प्रॉफिट इतना चाहिए, प्रॉफिट से रिप्लेस कर दो डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। ठीक है आगे चलो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आगे चलो। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही है कि सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, ये कैसे निकला थोड़ा सा ध्यान से इस पर देखो, ये जो मतलब इक्वेशन निकला हुआ है हम बता दे रहे, तो बात अभी तक कहाँ था, यहाँ पे था, मान करके चलो जस्ट पीक दिस इक्वेशन, अंडरस्टैंड, ये समझ में नहीं आएगा बाबू, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये इक्वेशन पीक करो, इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं, इंप्लाइज दैट इस, तो टोटल पे बात क्या हो रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन से मिलने हैं को ना, तो यूनिट टू आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू आउटपुट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ना इसको एक्सटेंड करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू आउटपुट था तो वो कितने आउटपुट पे, कितने आउटपुट टू, अब ये फिक्स डिजायर्ड प्रॉफिट आई, ये क्या हो जाना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सब्सक्रिप्शन पर यूनिट, मार्क दिस थिंग, अदरवाइज यहाँ पे ये जो आप डिराइव करने फॉर्मूले आप भूल गए, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं वो चीज हम सिखा रहे हैं, उससे ऊपर हम कुछ ज्ञान नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हो, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है आपको पता ही है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, समझ में आई बात। नेक्स्ट, नाउ कंट्रीब्यूशन टोटल है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू आउटपुट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया,
इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को लेफ्ट साइड रखते हुए ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाने, तो आउटपुट इक्वल टू दैट मीन्स ये देखो ये आउटपुट का क्या मतलब है, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड, तो आउटपुट रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, ऑब्वियसली आउटपुट इन यूनिट्स ही होता है, इन यूनिट्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अभी हमको पता चला कि सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, कितना सेल्स आउटपुट चाहिए एक डिजायर्ड प्रॉफिट करने के लिए, तो कैसे करो, फिक्स्ड कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये चीज आप लगाओगे, समझ में आई बात। आगे देखो, अगर सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट में नहीं चाहिए, सेल्स वॉल्यूम ये आपको चाहिए इन वैल्यू, अगर सेल्स वॉल्यूम इन वैल्यू चाहिए, समझ में आई बात, तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा आपको, देखो थोड़ा अच्छा ठीक है, इस चीज को हम कैसे समझाएंगे आपको, देखो तो यहाँ पे अभी तक क्या था, आउटपुट है, सेल्स वॉल्यूम इन रिक्वायर्ड मतलब ये आउटपुट है, तो ये सेल्स कैसे बनेगा, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे देखो आप आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस करोगे, बिल्कुल समझ सकते हो, अभी तक क्या था प्रोडक्शन इन यूनिट्स और आउटपुट इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट से टोटल सेल्स कैसे मिलेगा, आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो लेफ्ट साइड आप सेलिंग प्राइस अगर आप मल्टीप्लाई किए हो तो राइट साइड भी आपको सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करने होंगे, समझ में आई बात, राइट साइड भी आपको सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज को भूल जाओ, यहाँ से मान लो कहाँ तक था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है ये, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बना हुआ है, इम्प्लाइज दैट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ये इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बना है, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय आउटपुट, ध्यान से सुनो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बना है, टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस हम मल्टीप्लाई किए थे, सेलिंग प्राइस, समझ रहे हैं, इंप्लाइज दैट क्या होगा, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट टोटल सेल्स हो जाएंगे। बाबू बहुत इजी है, टोटल कैसे मिलता है जब पर यूनिट से आउटपुट मल्टीप्लाई कर देते हो तब ना, टोटल कैसे मिलता है पर यूनिट से आउटपुट मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट कैसे मिलता है ना, टोटल बाय आउटपुट कर दो, यही तो चक्कर है और क्या, मल्टीप्लाई हो जाने हैं, तो ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यही वाला फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखो अभी, तो नीचे हो गए टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हो गए सेल्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इनटू आउटपुट हो जाएंगे सेल्स बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, समझ में आई बात, बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स वॉल्यूम इन वैल्यू कैसे मिलेगा ना, सेम फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट याद कैसे रखोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू सेल्स होना है बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, कहने का मतलब है सब टोटल हो जाएंगे अगर आपको टोटल में चाहिए, सेल्स बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक सेल्स बाय टोटल कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पीवी रेशियो, समझ में आई बात, तो सेल्स बाय टोटल कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पीवी रेशियो, समझ में आई बात, और इस चीज को अगर यहां तक देखोगे इस चीज को, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय 1 माइनस ये देखो सेल्स बाय सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो 1 माइनस ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, छोड़ दो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये तक बात, समझ में आई बात। चलो तो यहां पर क्या लिखे हुए हैं, ठीक है, ए कंपनी प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, बेल कंक्लूडन यहीं पे आप खत्म हो, ए कंपनी प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट एंड सेल्स इट एट 10 पर यूनिट, भाई तो मिल गया ना आपको, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, बात ही तो खत्म हो गया और क्या, 6 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट आता है, समझ में आई बात, सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, एक तो पुराने बात हो गया भाई,
कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू आर्न ए प्रॉफिट 60,000 पर एनम। वो कह रहा है कितने सेल्स होने चाहिए, नंबर वन यूनिट्स में, नंबर टू वॉल्यूम में, मतलब कितना रुपीज का और कितना यूनिट्स का सेल्स होने चाहिए जहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट होना 60,000 होता है। समझ में आई बात? तो पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। हम नोट्स को क्यों जाएंगे, यहीं पे काम कर देते हैं, नोट्स को जाना ही क्यों है। यहीं पे देखो, कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये बीईपी इन यूनिट्स आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 40,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या होता है बाबू, सेल्स पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 10 माइनस 6 सो 40,000 रुपए डिवाइडेड बाई रुपए 4 तो इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। समझ में आई बात? रुपीज भी यहाँ रिड्यूस हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ प्लेन 10,000 यूनिट्स। तो हमेशा पंक्चुएशन कॉमा सिंबल का भी औकादर इज्जत होता है भाई, समझ में आई बात? 40,000 बाई 4 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 यूनिट्स ये बीपी इन यूनिट्स, मतलब आप 10,000 प्रोडक्शन करोगे और बेचोगे ना तो आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होना है। आप खुद से यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। आगे चलो, तो बीपी इन वॉल्यूम कैसे मिलता है, बीपी इन वॉल्यूम आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो तो पता है ही नहीं। ठीक है, स्टार मार्क बिलो टू इट, पीवी रेशियो आप निकालो। ठीक है, पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, मान करके चलो 8-10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स पे हम खड़े हैं, तो 10,000 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10,000 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ बाबू, 4 बाय 10,000 यूनिट्स पे अगर हम खड़े हैं तो उस टाइम पे सेल्स कितना हो रहा होगा, 10,000 इंटू 10 बिकॉज सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज द 10, सो 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख दैट कम्स टू 40%। समझ में आई बात? और 0.40 अंडरस्टूड। सो पीवी रेशो निकालना इजी है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, तो आपको तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, सेल्स पर यूनिट पता है, अगर उसी से भी पीवी रेशो निकाल दोगे तब भी होगा, टोटल करोगे तो इंटू 10,000 इंटू 10, बात एक ही है, पर यूनिट का पीवी रेशो जो है टोटल का पीवी रेशो वो है, रेशियो हमेशा सेम रहता है 40%। तो अभी देखो बीपी इन वैल्यू कैसे निकलना है, फिक्स पे कितना है 40,000 डिवाइडेड बाई 40% 0.40 1 लाख हो गए और क्या, दैट मीन्स किसका 40% इज तो 40,000 1 लाख का। समझ में आई बात? तो ये 1 लाख इन वैल्यू मिल गया आपको, इन वैल्यू मिल गया, समझ में आई बात? तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा यहां तक नहीं था, यहां तक ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, वो क्या पूछ रहा था, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू आर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर एनम। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलेंगे हमारे फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूला का तो हम ऐसे कर दिए हैं जो खुद ही नहीं समझ रहे। सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, इन यूनिट्स कैसे आने हैं, देखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, मतलब कितना यूनिट्स आप बेच दोगे जो 60,000 प्रॉफिट होगा। फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, आगे चलो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपके पास 60,000 बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए बाबू 4 रुपए 1 लाख बटा 4 25,000 यूनिट्स। जैसे ही 25,000 यूनिट आप बेच दोगे वैसे ही आपको 60,000 प्रॉफिट हो जाएगा। प्रूव करके दिखाएं, चलो सेल्स, जब 25,000 यूनिट्स आप सेल्स करोगे तो
25,000 इंटू 10 होगा सेल्स, तो कितना होना है, 2,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। उस टाइम कितना होना है, 25,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6,25,400, 1,50,000। दैट मीन्स बचा 1,00,000 लेस। 1,00,000 क्या है, कंट्रीब्यूशन। 1,00,000 कंट्रीब्यूशन पहले से भी निकाले थे। लेस क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 40,000। जैसे ही माइनस करोगे बचा कितना, 60,000। 60,000 सब बेच दोगे, हम निकाले 25,000 यूनिट्स, जो प्रॉफिट होना है कितना, 60,000। क्विकली समझा दिया, जिसको नहीं समझ आएगा इस चीज का बैकअप मिलेगा, देख लेना वहां से जाकर पढ़ना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सुन ही नहीं रहे हो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुका है। आगे की बात, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25,000 यूनिट, ये चीज निकलने हैं, 60,000 आपको ये प्रॉफिट आपको मिल गया, हम दिखा दे। चलिए आगे, तो डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स था, अभी अभी देखो सेल्स इन वॉल्यूम। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन वैल्यू, वैल्यू में चाहिए, तो आपको पता चल ही गया कैसे निकलना है। ये देखो सेल्स वैल्यू कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशो, जैसे एनालिसिस किए वैसे एनालिसिस करके फिर से खुद को बनाना है। हालांकि दिमाग थोड़ा तेज चलाओगे तो बना सकते हो। तो फिर से फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 60,000 डिवाइडेड पीवी रेशो कितना था बाबू, 40%। तो यहाँ पर देख लो खुद ही, 1,00,000 बटा 40%, तो किसका 40%, 1,00,000, 2,50,000 का, 2,50,000, समझ रहे हो बात। 1,00,000 बाई 40% तब करोगे तो 2,50,000 निकला। तो जब भी 2,50,000 की सेल्स होगी ना आपकी, तब प्रॉफिट होगा 60,000। देख लो यहाँ पे सेल्स कितना दिया हुआ है, 2,50,000। तो जब भी 2,50,000 की सेल्स करोगे तब प्रॉफिट होगा आपकी 60,000। यहाँ पे कोई पूछा नहीं सर, ऐसे तो निकल सकता था, 25,000 इन यूनिट्स इंटू यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो 25,000 इंटू कितना, 10, 2,50,000 हो गया ना, कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो सेल्स यूनिट 25,000 है, तो 25,000 इंटू 10, 2,50,000 हो तो गया। अरे बाबू ये जब नहीं दिया होगा तो कैसे निकालोगे, अब इतना बुद्धू थोड़ी ना है, समझ में आई बात। ये चीज जब नहीं दिया होगा तो कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो बाई पीवी रेशियो, और यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इजी तो है फॉर्मूले, समझ में आई बात। ऐसे आगे चलते चलते बहुत सारे बात है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। 3 बजे, तो आप देखिए 2:30 बजे में खत्म होना था, आधा घंटा लेट मैं शुरू किया तो आधा घंटा लेट होना ही है, उसमें क्या कर सकते हो, जब पावर साथ नहीं देगा, जब नेटवर्क साथ नहीं देगा, समझ में आई बात, यही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, रीड अगेन एंड अगेन, वॉच अगेन एंड अगेन, समझ में आई बात। आस्क टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन पूछो, वही बात होता है। पहले से देख लिए, एक तो सवाल देख लिए, थोड़ा सा उसको ट्राई किए, अरे नहीं हुआ, ये कैसे होगा, समझ में आई बात, नहीं हुआ, ये बात है, हो गया ये डाउट, समझ में आई बात। दिस इज व्हाट नॉट कॉल्ड द डाउट, दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्रीकल्स, इसको कहते हैं टू मच डिपेंडेंस। ट्राई 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 ट्राई, समझ में आई बात, करते रहो, उम्मीदें जो हार जाओगे तो ना हमारे पास। रोल नंबर लिखो, एग्जिट मारो। हाँ, अगर कुछ और, कुछ इस सवाल के बाहर और कुछ, पूछना था कहीं कुछ, अभी तक तो वैसे ही चलते रहेंगे, हालांकि हम आपकी 2 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, आप बेफिक्र हो, कोई बात नहीं, गारंटी हम नहीं दे सकते, मतलब उस चीज की हम अश्योरेंस दे सकते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रात को टाइम बचते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है,